नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 3 फरवरी शुक्रवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा कस्बे में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष रह चुके बापूलाल आंजना के 28 साल के इकलौते बेटे बंटी उर्फ विकास आंजना का दिन दिहाड़े मर्डर कर दिया गया। कोतवाली थाना क्षेत्र में उस वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जानकारी के अनुसार छोटी सादड़ी थाना क्षेत्र के केसुंदा के रहने वाले बंटी के दोस्त ललित प्रजापत की 6 महीने की बेटी की मौत हो गई थी। बंटी शोक जताने अपने दोस्त विकास और देवेंद्र के साथ ललित के घर गया था। तीनों एक ही बाइक पर लौट रहे थे। रास्ते में निम्बाहेड़ा जेल के सामने एक बदमाश ने बाइक को रुकवाया और अपनी जेब से बंदूक निकाली। बंदूक देखते ही विकास और देवेंद्र भागकर कोने में छिप गए। बंटी बदमाश के सामने अकेला पड़ गया। तभी पीछे से 2 बदमाश बाइक पर आए। उन्होंने बंटी को पकड़कर एक कार के सामने गिरा दिया और उसे गोलियों से भून दिया। इकलौते बेटे की मौत की खबर लगते ही भाजपा नेता बापूलाल आंजना हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने तक शव लेने से इनकार कर दिया। रिश्वत लेते कोटा ईसीबी के हत्थे चढ़े भारत सरकार के यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहायक महानिदेशक पंकज गोयल और हेमराज तंवर के खिलाफ कोटा एसीबी कोर्ट में चालान पेश किया गया। टोंक एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश आर्य ने करीब 450 पेज की चार्जशीट कोर्ट में पेश की। आधार की उसक खोलने की एवज में 1 लाख की रिश्वत लेते कोटा एसीबी की टीम ने 2 साल पहले पंकज गोयल को गिरफ्तार किया था। बाद में जांच के दौरान टोंक एसीबी की टीम ने जुलाई 2022 में दलाल हेमराज तंवर को गिरफ्तार किया था। इस साल जनवरी में पंकज गोयल के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति मिलने के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया गया। हेमराज कियोस्क ऑपरेटर के प्रति कियोस्क 20 से 25 हजार रुपए लेकर आरोपी पंकज गोयल से स्वीकृति दिलवाता था। जयपुर में पड़ोसी युवक के नाबालिग से रेप करने का मामला सामने आया है। स्कूल जाते समय आरोपी पड़ोसी बहला फुसला कर उसका किडनैप कर ले गया। दोस्त के घर ले जाकर डरा धमका कर नाबालिग से रेप किया। चोमू थाने में पीड़िता के पिता ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ पड़ोसी युवक ने रेप किया है। 15 साल की बेटी प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है। 31 जनवरी की सुबह नाबालिग बेटी घर से स्कूल जा रही थी। इस दौरान रास्ते में पड़ोसी युवक बाइक पर मिला। आरोपी ने बहला फुसला कर नाबालिग बेटी को बाइक पर बैठाया, उसका किडनैप कर दोस्त के घर ले गया जहाँ डरा धमका कर रेप किया। घर पहुंचकर नाबालिग ने परिजनों को आपबीती सुनाई। पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन की दुकानों पर मिलने वाला गेहूं इस महीने से आधा ही मिलेगा। केंद्र सरकार ने कोविड काल में गेहूं के आवंटन का कोटा जो डबल किया था उसे खत्म कर दिया है। हालांकि लोगों की छोटी सी राहत ये है कि लोगों को जो गेहूं राशन की दुकान से मिलेगा उसके लिए राशन डीलर को कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, यानी 2 रुपए किलोग्राम के हिसाब से अब भुगतान करना नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार ने इस राशि को दिसंबर 2023 तक के लिए माफ कर दिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने पिछले साल दिसंबर 2022 में कैबिनेट की बैठक में ये फैसला किया था, जिसमें फ्री गेहूं को दिसंबर 2023 तक बढ़ाने का फैसला किया। लेकिन सरकार ने इस फैसले के साथ ही कोविड काल में दिए गए अतिरिक्त कोटे को खत्म करने का निर्णय किया है। टोंक जिले के देवली थाना क्षेत्र के गावड़ी गांव में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां अज्ञात लुटेरों ने एक 58 साल की महिला के हाथ काटकर चांदी के आभूषण लूट लिए और भाग गए। जानकारी के अनुसार महिला लादी गुजर निवासी गावड़ी यहां अपने पीहर में ही रहती थी। महिला मवेशी चराने के लिए करीब 2 किलोमीटर दूर सिरोही की ओर अपने खेत पर गई, लेकिन शाम तक नहीं लौटी, जिससे परिजनों को शंका हुई। वह लादी देवी को तलाश करते हुए खेत पर पहुंचे तो महिला के हाथ कटे हुए मिले। महिला की मौत हो गई और लुटेरे महिला के हाथों के कड़े ले गए। आरोपियों ने मादलिया भी लूट लिया। सूचना पर देवली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल ग्रामीण आक्रोशित हैं, जो घटना से आक्रोशित होकर शव उठाने से इनकार कर रहे हैं। जयपुर ट्रैफिक पुलिस के चालान काटने के गुरिल्ला स्टाइल ने एक महिला की जान ले ली। बिना हेलमेट की स्कूटी सवार महिला को देखकर ट्रैफिक पुलिसकर्मी पकड़ने दौड़ा। घबराकर महिला ने अचानक ब्रेक लगा दिए। इससे पीछे बैठी उसकी बहन नीचे गिर गई और पीछे से आ रहे ट्रक ने रौंद दिया। हालांकि महिला के परिजनों का दावा है कि स्कूटी सवार दोनों ने हेलमेट लगा रखा था।
हादसे में झुंझुनू की महिला 28 वर्षीय नीलम चौधरी की मौके पर ही मौत हो गई। महिला के साथ स्कूटी पर उसकी 1.5 साल की बच्ची भी सवार थी, लेकिन अचानक ब्रेक लगने से वह दूर जाकर गिरी। हादसे के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने बीच सड़क पर शव को रखकर प्रदर्शन कर हंगामा शुरू कर दिया। घटना के बाद से ट्रक चालक फरार है। पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है। ट्रक के डॉक्यूमेंट के आधार पर उसकी तलाश की जा रही है। प्रदर्शन करने वाले लोगों का कहना है कि पुलिस के गुरिल्ला स्टाइल ने महिला की जान ली है। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा उपखंड कार्यालय परिसर में बदमाश दिन दिहाड़े स्टाम्प विक्रेता का रुपयों से भरा बैग ले उड़े। बैग में रखे 7 लाख रुपए निकालने के बाद बदमाश बैग को कोर्ट में बने पार्क में डालकर फरार हो गए। स्टाम्प विक्रेता मुरली प्रसाद वैष्णव ने बताया कि सुबह बैंक में जमा कराने के लिए 7 लाख रुपए लेकर आया था। बदमाश शायद सुबह से ही रैकी कर रहे थे, मौका पाते ही वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। खाली बैग को कोर्ट परिसर में बने पार्क में डाल गए। दोपहर में पैसे बैंक में जमा कराने के लिए बैग को संभाला तो नहीं मिला। घटना के संबंध में मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस पूछताछ के साथ ही जांच में जुटी है। जयपुर के बापूनगर मोती पार्क के शिरडी साईं बाबा मंदिर साईं धाम का 2 दिवसीय 17वां स्थापना दिवस के तहत मुख्य उत्सव के तहत विशाल भंडारा प्रसादी हुई। सुबह कांकण आरती से लेकर रात शेजा आरती तक 1 लाख से अधिक साईं भक्तों ने बाबा के दर्शन किए। वहीं दोपहर से रात तक चले भंडारे में 35,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने 6,200 किलो चूरमा, दाल, बाटी, कड़ी और चावल की प्रसादी ग्रहण की। प्रसादी ग्रहण करने वाले लोगों का उत्साह इस कदर था कि आधा आधा घंटे इंतजार लाइन में लगकर इंतजार किया। इससे पूर्व सुबह 9 से 11 बजे तक चले बाबा की पादुका पूजन कार्यक्रम में हजारों लोगों ने पूजन किया। भंडारे के दौरान ही भजनों का कार्यक्रम भी हुआ। मनोज शर्मा एंड पार्टी गोविंदगढ़ वालों ने एक से बढ़कर एक भजनों की ऐसी प्रस्तुतियां दी। बांसवाड़ा जिले के राजतालाब थाने में रेप केस में गिरफ्तार एक आरोपी ने सुसाइड का प्रयास किया। आरोपी ने नुकीली वस्तु से खुद के गले में वार कर दिया, इससे वह घायल हो गया। उसका बांसवाड़ा अस्पताल में इलाज करवाया जा रहा है। थानाधिकारी ने बताया रेप के केस में आरोपी 25 वर्षीय विमल आमलिया निवासी लोदा को गिरफ्तार किया था। 31 जनवरी को आरोपी विमल को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे पुलिस रिमांड पर सौंपा गया। आरोपी विमल आमलिया ने टॉयलेट जाने की बात कही, इस पर उसे टॉयलेट ले गए, जहां आरोपी अचानक नुकीली वस्तु से खुद के गले पर हमला कर दिया। आरोपी विमल के खिलाफ पुलिस ने अभिरक्षा के दौरान सुसाइड का प्रयास करने का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। राजधानी जयपुर के जवाहर सर्किल स्थित जी क्लब में 28 जनवरी की रात को हुई फायरिंग के मामले में हमले की जिम्मेदारी लेने वाले ऋतिक बॉक्सर की बहन सहित 6 जनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि ऋतिक की बहन लवीना ठाकुरवानी ऋतिक का सोशल मीडिया अकाउंट चलाती थी। जांच में सामने आया कि ऋतिक बॉक्सर के नाम से संचालित सोशल मीडिया अकाउंट कई जगह से संचालित होता था, जिसके एक यूजर उसकी बहन लवीना निकली। लवीना ने अपने मोबाइल में भाई का अकाउंट ओपन कर कई पोस्ट शेयर की थी, ताकि उसके भाई का बड़ा नाम रहे। लवीना झलाना डुंगरी में रहकर एक कॉल सेंटर में काम करती थी। पुलिस टीम ने उम्मीद व ऋतिक बॉक्सर को पकड़ने के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।